दोस्तों रियलमी की तरफ से 17 दिसंबर को एक खुशखबरी जो है मिलने वाला है, जो कि दो प्रोडक्ट्स की लॉन्च डेट रखा गया है। तो ऐसे मैं बता दूं दोस्तों, 17 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है पहला प्रोडक्ट जो कि है रियलमी XT 730G, और साथ ही साथ बात करूं दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट की, तो ऐसे में एक ईयरफोन के बारे में पता चल रहा है। अभी बात करते हैं दोस्तों पहला प्रोडक्ट की, रियलमी XT 730G के बारे में आज जानेंगे, देखेंगे इसका इंडियन प्राइस क्या होने वाला है, स्पेसिफिकेशन क्या देखने मिलेगा, कैमरा क्वालिटी कैसा होने वाला है और क्या क्या चीज जो है मिलने वाला है, तो सब कुछ बात करूंगा। तो जल्दी से जल्दी फटाफट कर लो लाइक्स, 30 लाइक्स को जो है कंप्लीट कर देना। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं रियलमी XT 730G जो है एक बहुत ही अच्छा फोन होने वाला है और बहुत ही चमकदार फोन होगा, और साथ ही साथ इसका जो प्राइस है बहुत ही बजट रखा जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं रियलमी XT 730G के बारे में, देखेंगे सबसे पहले क्या क्या मिलने वाला है। तो बात करूं दोस्तों इस फोन के बारे में, तो ऐसे में इसमें जो है बैक बॉडी की अगर बात करूं, तो ऐसे में बैक बॉडी जो है 3D कार्ब डिजाइन के साथ पॉलीकार्बोनेट का बॉडी मिलने वाला है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा कलर जो है देखने के लिए मिलेगा। बात कर दोस्तों फोन साइड डिजाइन की, तो ऐसे में वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आ रहा है ये फोन, जो कि 6.4 इंचेस का जो है HD+ एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलेगा। इन द डिस्प्ले इस बार फिंगरप्रिंट भी मिलने वाला है, जो कि 7th जनरेशन का फिंगरप्रिंट होने वाला है। इसमें Gorilla Glass 5 जो है स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। बात करो दोस्तों कैमरे की तरफ, तो कैमरा जो है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, इसमें क्वाइट कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल। अगर बात करूं 64 मेगापिक्सल के बारे में, तो ऐसे में सैमसंग की तरफ से GW1 सेंसर के साथ आ रहा है ये कैमरा। साथ ही साथ बात करूं दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल की, तो ऐसे में अल्ट्रा वाइड फोटोज के लिए यूज किया जाएगा। बात करूं तीसरे कैमरे की, तो ऐसे में डेप्थ सेंसिंग के लिए यूज किया जाएगा 2 मेगापिक्सल को। बात करो चौथा कैमरे की, तो इसमें 2 मेगापिक्सल जो है टेलीफोटो या माइक्रो लेंस के लिए यूज किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों फोन साइड कैमरे की, तो इसमें सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल की जो है कैमरा आपको देने वाला है। बात करो दोस्तों प्रोसेसर की तरफ, तो इसमें प्रोसेसर जो है बहुत ही अच्छा है, आपको पता चल ही चुका है 730G जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। इसमें आपको ऑक्टाकोर देखने के लिए मिलता है, 7 नैनोमीटर पे ये प्रोसेसर काम करता है, और इसमें जो है 4G वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा। बात करूं दोस्तों इसकी वेरिएंट की, तो ऐसे में 4G 64GB, 6GB 64GB, साथ ही साथ दोस्तों और भी कुछ जो है जानकारियां आ रहा है। दोस्तों बात करो एड्रिनो की तरफ ग्राफिक कार्ड, तो ऐसे में 618 जो है आपको देखने के लिए मिलेगा ग्राफिक कार्ड। अगर बात करो एंड्रॉइड सिस्टम की, 9.0 Pie के साथ आ रहा है। दोस्तों बात करूं बैटरी की तरफ, तो इसमें 4000 mAh की बैटरी मिलेगा, जिसमें 32W का बुक चार्ज आपको देखने के लिए मिलेगा, और USB टाइप सी पोर्ट भी है, तो बहुत ही अच्छा है। और 17 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, जिसका प्राइस रखा जाएगा 12,000 से 14,000 के बीच। अगर आप लेना पसंद करोगे, तो किस लिए लेना पसंद करोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।